प्यारे धर्म भाइयों और बहनों, आज पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी के देहावसान के संदर्भ में मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। मैं उसी जगह खड़ा हूँ जहाँ संघरक्षित जी ने दिसंबर 1956 में 1956 में बाबा साहब के देहावसान पर उनके अनुयायियों को संबोधित किया था, जब लोग टूट चुके थे। इसी मैदान में वे आए थे 1956 में, जब उनको बाबा साहब के परिनिर्वाण की खबर मिली थी। लेकिन आज स्वयं संघरक्षित जी हमारे बीच नहीं रहे। 30 अक्टूबर 2018 को उनका निधन हो गया। जब मैंने यह वार्ता सुनी, जब मैंने यह न्यूज़ सुनी, तब मैं पुणे यूनिवर्सिटी में था। एक कॉन्फ्रेंस में मैं बोल रहा था, आत्मवाद और अनात्मवाद का, जो बौद्ध दर्शन में आत्मवाद और अनात्मवाद के ऊपर मैं बोल रहा था। और उसी वक्त मुझे यह खबर आ रही, और उन्हीं के ऊपर, उनकी अनात्मवाद के ऊपर उनके विचार क्या है, किस प्रकार से उन्होंने रखा, इस बात के ऊपर मैं बोल रहा था। उसी वक्त मुझे ऐसे लगा कि शायद मैं उनके ऊपर बोल रहा हूँ और वो इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर मुझे और सभी जो संघ सदस्य है त्रिरत्न बौद्ध संघ के और उनके जो अनुयायी है, उनको काफ़ी हादसा लगा। पिछले 23 साल से मैं त्रिरत्न बौद्ध संघ के संपर्क में हूँ। पिछले 12 वर्षों से मेरी धम्मचारी करके मैंने दीक्षा ली है। मैत्रीवीर नागार्जुन नाम यह मुझे इस संघ में मिला। मैं उनके निजी संपर्क में कई बार आया। जब मैं स्वयं अपना पीएचडी का थेसिस लिख रहा था, उस वक्त, उस दौरान मैं कई बार उनसे मिला, जब मैं अधिष्ठान इंग्लैंड में रुका था। लेकिन औपचारिक तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से, मैं 2009 में 3 बार उनको एक ऑर्गेनाइज तरीके से, कटिबद्ध तरीके से मैं मिला, जिस पर मैंने उनके उनकी भेंट ली थी, इंटरव्यूज ली थी मध्यम लोक बर्मिंघम इंग्लैंड में 2009 में। उसी वक्त मैंने अलग अलग विषयों पर उनके साथ कुछ प्रश्न पूछे थे, उनके इंटरव्यूज लिए थे, क्यों उन्हें नए संघ की आवश्यकता निर्माण हुई, किस प्रकार से उन्होंने सभी बौद्ध परंपराओं को, किस प्रकार से उन्होंने अलग अलग फूल हर परंपरा से लेकर एक ऐसा सुंदर अपने टीचिंग्स की, अपने शिक्षाओं का एक बगीचा उन्होंने यानी संजोया है, लगाया है। लेकिन मुख्य भाग उन सभी भेंटों में यह था कि इस कस्तूरचंद पार्क का अनुभव वो बता रहे थे। बाबा साहब से जब वो मिले तो उनके 3 भेंट जो बाबा साहब की, उनके साथ जो 3 मुलाकातें उनकी हुई, उन मुलाकातों का वृत्तांत वो बता रहे थे। और बाबा साहब को काफ़ी ज़िंदा उन्होंने अपने यादों में किया। और इसी मैदान की, कस्तूरचंद पार्क की यादें वो हम सबको, हमारे साथ वह बांट रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने बाबा साहब की याद करते हुए यह भी कहा था कि अगर जिस प्रकार से बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दिए, ऐसी 22 प्रतिज्ञाएं हमने पश्चिम जगत में बौद्ध धर्म के सुरक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए हमने एक अपने रूप में लेनी चाहिए। यह बाबा साहब की जो इनसाइट थी, उनकी जो दृष्टि थी, यह दृष्टि से वो काफ़ी प्रभावित थे। भंते स्वयं अपने आप में बहुत ही क्या कह सकते हैं कि प्यार से भरे व्यक्तिमत्व थे। हर किसी को वो बहुत ही सहजता से मिलते थे। जब कभी भी मैं उनको मिला, काफ़ी यानी एक केयर, एक सावधानी उन्होंने वैयक्तिक रूप से व्यक्त की। और
एक बहुत ही महान ऐसे एक वे कल्याण मित्र थे, सबको बहुत सहजता से वो मिलते थे और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, पूर्ण डिग्निटी के साथ, आत्मसम्मान के साथ वो हर किसी को पेश आते थे। कभी भी मैं एक बहुत बड़ा गुरु हूँ या शिक्षक हूँ ऐसा भाव उन्होंने जो भी उनसे मिला उसको वो कभी नहीं दिया। एक मित्र करके, एक व्यक्ति करके वो मिलते थे। निश्चित रूप से मैं तब उत्तर भारत में काम कर रहा था, उत्तर भारत के काम की वो काफ़ी प्रशंसा करते थे। विशेषतः बोधगया में जो काम हो रहा है, बोधगया के काम के बारे में वे हमेशा ही पूछताछ करते थे, उसके बारे में वो चिंतित भी थे। तो वहाँ पे एक अच्छा केंद्र बने, बौद्ध केंद्र बने, जो बाबा साहब के दृष्टिकोण से, उनके दृष्टिकोण से धम्म को भारत में फैलाने के लिए एक प्रमुख केंद्र बने, ऐसी उनकी काफ़ी इच्छा थी। स्वयं बाबा साहब के प्रति भंते संघर्षित जी के दिल में एक महान आदर था, एक बहुत बड़ा सम्मान उन्होंने बाबा साहब को किया। उन्होंने 20वीं शताब्दी की एक महान बौद्ध करके उन्होंने बाबा साहब को नवाजा है अपने व्याख्यानों में। अम्बेडकर एंड बुद्धिज़्म, बाबा साहब अम्बेडकर और बौद्ध धर्म, इस किताब में बाबा साहब को उन्होंने एक आधुनिक अशोक की उपमा भी दी है। उन्होंने 2009 के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में, संघ के अधिवेशन में कहा था कि मैं 3 प्रमुख व्यक्तियों से प्रभावित हूँ, उनमें से स्वयं बुद्ध, तिब्बत के एक बहुत महागुरु थे मिलारेप्पा, और तीसरे जो व्यक्ति थे जिनसे वे प्रभावित थे वे थे बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। उनके दृष्टि से धम्म की बुनियाद पे एक नया संघ, नया समाज निर्माण किया जा सकता है, ऐसी एक बहुत बड़ी उम्मीद, एक बहुत बड़ा आशावाद भंते ने बाबा साहब की शिक्षाओं से लिया और उसी के आधार पर एक नया संघ उन्होंने बाबा साहब के धर्मांतरण के आंदोलन को सहयोग करने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए निर्माण किया। बाबा साहब एक नया प्रचारक, एक नया अंतर्राष्ट्रीय संघ की अपेक्षा बाबा साहब ने की थी, उसमें भंते जी का जो योगदान है, संघरक्षित जी का जो योगदान है वह अतुल्य है, उसकी तुलना हो नहीं सकती है। निश्चित रूप से भाई और बहनों, बाबा साहब भंते संघरक्षित हमारे बीच अब नहीं रहे, हर किसी को एक ना एक दिन जाना होता है, लेकिन उनके टीचिंग्स में, उनके शिक्षाओं में उन्होंने जिस प्रकार से धम्म बताया, संघ बताया, उसमें वे जीवित है। उनके शिक्षा की काया में वे जीवित है। जो संघ उन्होंने निर्माण किया, जिसे त्रिरत्न बौद्ध संघ कहते हैं, एक आंदोलन जो उन्होंने निर्माण किया, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ उसे कहते हैं, उस आंदोलन के रूप में वे जीवित रहेंगे। एक संघ काया में वे हमेशा ही वे जीवित रहेंगे। निश्चित रूप से जो उन्होंने अपनी एक बुनियाद या एक धरोहर छोड़ी है, यह धरोहर अतुल्य है, उस धरोहर में वे जीवित रहेंगे। एक पार व्यक्तिगत या एक अवैयक्तिक शक्ति जिसे हम कह सकते हैं, जिसे भंते स्वयं एक सुप्रा पर्सनल फोर्स कहते हैं, उसमें वे जिंदा रहेंगे, हमारे सबके दिलों में वो जिंदा रहेंगे। जब जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, वैसे वैसे उनके कामों की जो गरिमा है, उनके अतुल्य योगदान की जो गरिमा है, वह दुनिया को, भारत को पता चलती रहेगी। बाबा साहब ने 1956 में जब उनका देहावसान हुआ था, उसके पहले वो काठमांडू में गए थे, तब बाबा साहब ने कहा था, आधुनिक जगत को धम्म की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है जितनी पहले कभी भी नहीं थी। भाई और बहनों, आज दुनिया की और भारत की परिस्थिति बहुत ही तेज़ी से बदल रही है, और इस बदलते हुए युग में कैसा धम्म जीवित रखा जाए, किस प्रकार से लोगों को प्रेरणा दी जाए, ऐसा ही एक धम्म बाबा साहब ने भारतवर्ष को दिया। वैसे ही आधार पर एक संघ की जो ज़रूरत थी, जिस प्रकार से आधुनिक जगत को
आचरण करने के लिए, धम्म जीवित रखने के लिए जिस संघ की आवश्यकता थी, जिस आंदोलन की आवश्यकता थी, उस आंदोलन को संघरक्षित जी ने भेंट दिया, एक दुनिया को भेंट दी, इस बाबा साहब के आंदोलन को भेंट दी। यह एक अतुलनीय भेंट है, एक अतुलनीय योगदान भंते जी ने किया है। इसलिए अंततः मैं यही कहूँगा कि जब जब भी मैं भंते जी को मिला, संघरक्षित जी को मिला, सबसे बड़ा दुख भंते को अगर कोई रहा होगा तो वो था एक विसंवाद का या असुसंवाद का, डिसहार्मनी जिसे कहते हैं। संघ में जो डिसहार्मनी है, जो असंवाद है, वो हमेशा ही उन्हें दुख देता था। इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे मौके पर जहाँ उनका देहावसान हुआ है, जब वो हमारे बीच नहीं है, हम सब लोगों ने एकजुटता से, एकता से, सुसंवाद होकर हमने कार्य करना चाहिए। एक संवादित होकर धम्म के प्रसार प्रचार का हमने काम करना चाहिए। हमेशा ही उनका एक संदेश मैं बताना चाहूँगा, स्टे टुगेदर एंड एक्ट टुगेदर इन हार्मनी। हमेशा ही आप इकट्ठा रहिए और सुसंवादित होकर, एक होकर धम्म प्रसार और प्रचार का काम कीजिए। जिस प्रकार बाबा साहब ने कहा था, धम्म का प्रसार प्रचार करना, बौद्ध धम्म का प्रसार प्रचार करना, यही एक सबसे बड़ी मानव सेवा होगी। तो उनके माध्यम से, एक संघ के माध्यम से, ये सबसे बड़ी मानव सेवा हम कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा संदेश भंते ने हमें दिया है। निश्चित रूप से बाबा साहब के रिवाइवल से, उनके बौद्ध धम्म के रिवाइवल से, पुनरुत्थान से बहुत बड़ी संभावनाएं भारत में और दुनिया में बौद्ध धम्म के लिए खुली है। इस संभावना को हम कैसे समझें, इन संभावना को हम कैसे ले और कैसे इसे आगे बढ़ाए, इसका एक सुव्यवस्थित चिंतन भंते संघरक्षित जी ने किया है। उस चिंतन को, उस बगीचे को हमने सींचना चाहिए जो सभी परंपराओं से आया है। इसी भूमि पर नागपुर में बाबा साहब ने कहा था कि मैं एक ना हीनयान को ना महायान को शरण जा रहा हूँ, मैं एक नवयान को शरण जा रहा हूँ, मैं एक बुद्धयान को शरण जा रहा हूँ। तो किसी भी पंथवाद में ना गिरकर, सभी पंथों को अपनाकर, उससे बेस्ट, उससे सबसे उत्तम जो शिक्षाएं है वो भंते ने इस संघ में बुनी है, एक बगीचे को बुना है जिसमें सभी यानों के अच्छे अच्छे फूल खिल रहे हैं और वो सब फूल सुंदर है। उन सब फूलों को हमने सींचना चाहिए जिसका केंद्र बिंदु है बुद्ध धम्म और संघ, जो कभी भी यानवाद में नहीं गिरता है, किसे पंथवाद में नहीं गिरता है। उसी प्रकार से जैसे बाबा साहब ने कहा था कि एक नवयान को हम इजाद कर रहे हैं, एक बुद्धयान को हम शरण गमन कर रहे हैं, बुद्ध धम्म संघ को हम शरण गमन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस प्रकार से सभी राष्ट्रवादों को छोड़कर, जातिवाद को छोड़कर, वर्णवाद को छोड़कर, लिंग भेद को छोड़कर भंते ने एक नए बौद्ध आंदोलन की रचना की है। तो मुझे ऐसे लगता है ही वॉज डेफिनेटली एंटीकास्ट, एक जाति के विरोध में एक आंदोलन भंते ने शुरू किया है, एक वर्णवाद के खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू किया है, संघ शुरू किया है, किसी भी लिंग भेद के ऊपर उसकी नींव ना हो, ऐसा एक आंदोलन उन्होंने दिया है जिसकी नींव बौद्ध धम्म है और अहिंसा है, हिंसा नहीं है। यही एक पक्का मार्ग मानव के उत्थान के लिए हो सकता है। इस मानव के उत्थान के लिए जो उनके शिक्षाओं की जो यूनिटी, एक संगतता, एक रूपता हमें यहाँ दिखती है, उसको हमने अधिक उजागर करना चाहिए। यही एक सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनके लिए होगी। यह आचरण अपने आप में एक बहुत बड़ा आचरण है कि सभी भेदों को भूलकर हम इकट्ठा आकर उनके शिक्षाओं के ऊपर चले, जिस संघ की नींव उन्होंने दी है, उस संघ का आदर्श हम हमारे सामने रखें और हारमोनी से सुसंवादित होकर हम एक दूसरे के साथ बौद्ध धम्म के प्रसार प्रचार के लिए जाति छोड़कर, वर्ण छोड़कर, राष्ट्रवाद छोड़कर उसके लिए हम काम करें। एक सबसे बड़ा संदेश इस पार्क पर खड़ा होकर मैं सभी संघ भाई और बहनों के तरफ से देना चाहूँगा। यही पर भंते
1956 में बोला था उन्होंने कि अभी बाबा साहब नहीं रहे लेकिन आप में वो जिंदा है, उनके आंदोलन में वो जिंदा रहेंगे। भाई और बहनों, उसी प्रकार बनते भी उनके संग में, उनके संग काया में, उनके शिक्षा की काया में जीवित रहेंगे। अंततः मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जब ऐसे महापुरुष गुजर जाते हैं या दुनिया से चले जाते हैं, तब हमारे मन संवेदनशील होते हैं, तब हमारी भावनाएं संवेदनशील होती है। इसलिए ऐसे वक्त जितना अधिक हम धम्म को पढ़े, उनके शिक्षाओं को पढ़े, बाबा साहब के शिक्षाओं को पढ़े, उतने ज़्यादा हम ग्रहणशील उनके शिक्षाओं के बारे में होंगे। वैयक्तिक रूप से हमारे अंदर वह बदलाव आ सकता है। आप बुद्ध एंड इस धम्मा पढ़ सकते हो, आप भंते ने जो लिखी किताबें वो कर सकते हो, आप बुद्ध वंदना कर सकते हो, आप ध्यान कर सकते हो, जो भी चीज़ें आपको मदद करती है संघ में, धम्म में और बुद्ध के करीब जाने के लिए, वो बातें आप इन दिनों कीजिए। वह आपके आचरण के लिए गहरा ले जाने के लिए मदद करेगी। यही एक बड़ी श्रद्धांजलि भंते संघरक्षित जी को होगी। आपके परिवर्तन के साथ साथ आप दुनिया को परिवर्तित करने के लिए इस आंदोलन में सम्मिलित रहिए। जो बाबा साहब ने नया प्रचारक कहा था, भंते ने उस संघ के द्वारा उसको योगदान करने की कोशिश की है। निश्चित रूप से बाबा साहब की धम्म क्रांति केंद्र बिंदु में हमेशा थी, हमेशा रहेगी, और उसके योगदान के लिए संघरक्षित जी का संघ तैयार है। उसको आदरांजलि अगर देनी है तो उन शिक्षाओं के माध्यम से, बाबा साहब की शिक्षाओं के माध्यम से, संघरक्षित जी की शिक्षाओं के माध्यम से, यह जो प्रबुद्ध भारत का, और ना के बल्कि प्रबुद्ध भारत का ही लेकिन प्रबुद्ध विश्व का सपना साकार हो सकता है। यही सबसे बड़ा यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि और यही बड़ा एक योगदान संघ के द्वारा, बाबा साहब के द्वारा, संघरक्षित जी के द्वारा हो सकता है। यही आप सब लोगों को मैं अपील करना चाहूँगा। भाई और बहनों, बेहद दुख की बात है कि आज संघरक्षित जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन मुझे बेहद हर्ष भी हो रहा है कि जो लिगेसी, जो इटर्नल लिगेसी, जो एक धरोहर उन्होंने हमारे साथ छोड़ी है, इसी मैदान से जहाँ वे 1956 में थे, उसी धरोहर को फिर से उजागर करने के लिए हम सब लोग इस कार्य में जुटे, इसका भी हर्ष हमें होना चाहिए। एक ऐसा आशावाद हमने हमारे दिल में रखना चाहिए। यही कहकर मैं उनको मनस्वी आदरांजलि यहाँ अर्पित करता हूँ। इसी मैदान से, कस्तूरचंद पार्क से, नागपुर से मैं अर्पित करता हूँ, और हम सब लोग इसमें शामिल हो और धम्म का प्रसार प्रचार करें, बाबा साहब के सपने को, प्रबुद्ध भारत को और प्रबुद्ध विश्व को बनाएं। यही मैं कहूँगा। नमो बुद्धाय। जय भीम।